OnePlus, Oppo, Vivo, IQ प्लान करते रहेगा स्नैपड्रैगन 8 इलीट चिपसेट के साथ फोन लॉन्च करने का, और यहां पे एड़ा बनके पेड़ा खा लिया है Xiaomi ने। अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Pro, और ये दुनिया के पहले स्मार्टफोन होंगे जिनमें आपको स्नैपड्रैगन 8 इलीट चिपसेट मिल रहा है, और ये अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन्स भी हैं गाइस, मैं बता दूं आपको। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अल्ट्रा कहाँ है भाई? अल्ट्रा लॉन्च नहीं हुआ है, ये दोनों फोन लॉन्च हुए जिनके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। वैसे चाइना में लॉन्च हो गए हैं और आने वाले समय में ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगे। Xiaomi के जो CEO उन्होंने ट्वीट भी किया था, इसके बारे में बात भी किया उन्होंने। शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं Xiaomi 15 सीरीज फोन के बारे में, कि इसमें बैटरी कितना है, कैमरा कितना है, ओवरऑल इसमें क्या कुछ दिया गया है, डिजाइन कैसा है, सब कुछ बात करने वाला हूं। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइसिंग के बारे में। तो Xiaomi 15 का प्राइस शुरू हो रहा है 4,499 चाइनीज युआन से, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 53,000 रुपए। वहीं अगर प्रो की बात करूं तो Xiaomi 15 प्रो का प्राइस शुरू हो रहा है 5,299 चाइनीज युआन से, जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 62,500 रुपीस का होता है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात यहां पे है वो ये है कि जब Xiaomi 14 लॉन्च हुआ था, जो इनका फ्लैगशिप सीरीज में था, उसका प्राइस लगा गया था ऑलमोस्ट 70,000 रुपए के आसपास। तो मैं भी अनुमान लगा रहा हूं बॉस कि जो Xiaomi 15 का जो प्राइस होने वाला है वो भी अराउंड 70,000 रहेगा। वहीं अगर प्रो सीरीज की बात करें तो Xiaomi 14 प्रो को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन अगर ये 15 प्रो को लेके आते हैं इंडिया में तो वहां पे इसका प्राइस होने वाला है ऑलमोस्ट 80,000 से 90,000 के बीच में रहने वाला है। अब अगर रिलीज की बात करें तो फिर से मैं Xiaomi 14 को लेके आऊंगा। तो Xiaomi 14 को चाइना में रिलीज किया गया था, मैं बोलूं लॉन्च किया गया था नवंबर में, वहीं इसको इंडिया में लॉन्च होते होते ऑलमोस्ट मार्च पहुंच गया था। लेकिन यहां पे जो CEO का ट्वीट है वो ये था कि लॉन्चिंग सून, तो मेरा अनुमान है बॉस कि इसको या तो 2024 के दिसंबर में या फिर 2025 के जनवरी में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अब अगर डिजाइन की बात करें ना फोन की, तो ऑलमोस्ट जो इसका डिजाइन है वो Xiaomi 14 जैसा ही है, बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं, जिससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो मजेदार बात है 15 के साथ वो ये है बॉस कि यहां पे आपको 20 बैक पैनल जो होते हैं ना उनका ऑप्शन मिल रहा है, दो आपके जो साइड फ्रेम्स पैनल होते हैं ना उनका ऑप्शन मिल रहा है। तो टोटल आपको 40 ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमाइज करने के इनके बैक पैनल्स को। और मैं बता दूं आपको एक बात यहां पे कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये चाइना के हिसाब से बात कर रहा हूं, अगर इंडिया में भी ऐसा होता है बॉस तो सच में ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। वही अगर आप Xiaomi 15 Pro की बात करूं तो यहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं कलर के, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ब्राइट सिल्वर, रॉक ग्रे, व्हाइट और स्प्रूस ग्रीन। वहीं अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो 12GB रैम और 256GB के स्टोरेज से जो वेरिएंट है वो शुरू हो रहे हैं दोनों फोन्स में। वहीं जो टॉप मॉडल है उसमें 16GB रैम और 1TB स्टोरेज तक जा रहे हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको कि ये मिल रहे हैं उन फोन्स में। वहीं अगर Xiaomi 15 की अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहां पे 6.36 इंच की OLED डिस्प्ले है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। वहीं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है, डिस्प्ले को फ्लैट रखा गया है और 1.38mm के बेजल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि सच में बहुत कम है। वहीं अगर बैटरी की बात की जाए तो 5500mAh की बैटरी इसमें दी गई और 90W की चार्जिंग ये वायर सपोर्ट करता है और 50W की वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट कर रहा है फोन। वहीं अगर कैमरा की बात करें तो 50MP का लाइका का इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और 32MP का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है और ये चलता है HyperOS 2.0 पे, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पे। अच्छा मुझे ना थोड़ा सा HyperOS पे ही बात करना है, क्योंकि इसका जब पहला वर्जन आया था ना गाइस, मतलब सच बता रहा हूं मैं, जब मैंने इसको यूज किया था मुझे बस इतना ही बोलना था Xiaomi को कि भाई सच में आपने बढ़िया काम किया है, चाहे ट्रांजिशन देख लो, एनिमेशन देख लो, कस्टमाइजेशन देख लो या फिर सिक्योरिटी लेवल्स ही देख लो गाइस, मतलब सच में लग रहा था कि काम किया है। और अब जब HyperOS 2.0 आ रहा है बॉस, तो यहां पे मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि क्या AI को ये क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि चाहे Apple को उठा लो आप या फिर OnePlus को उठा लो या फिर Vivo को उठा लो फॉर दैट मैटर, सब AI पे खेल रहे हैं। तो क्या Xiaomi इसको क्रैक कर पाएगा, मतलब ये देखने के लिए मैं सच में बहुत इंतजार कर रहा हूं HyperOS के नए वर्जन का। वही सेम चीज आपको 15 Pro में भी मिलने वाला है, Xiaomi 15 Pro की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे भी आपको सेम HyperOS 2.0 मिलने वाला है। वही अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पे 6.73 इंच का 2K रेजोल्यूशन मिलने वाला है, इसमें 6100mAh की बैटरी मिलेगी और साथ ही साथ 90W की वायर चार्जिंग मिलेगी, वहीं 50W का वायरलेस चार्जिंग भी ये फोन सपोर्ट करेगा। अब अगर कैमरा की बात करूं ना गाइस, तो यहां पे भी आपको सेम लाइका का 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चीज अलग है यहाँ पे वो ये है
कि 15 में आपको 3x टेलीफोटो लेंस दिया गया है, लेकिन जो 15 प्रो है उसमें पेरिस्कोप लेंस डाला गया है जो कि 5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है। तो गाइस ओवरऑल ना जितना मैंने चाइना वेबसाइट को देख के फोन को समझा है, यार इन्होंने ना सच में 14 के ऊपर बहुत एड ऑन किए हैं, चाहे मैं फीचर्स की बात कर लूं, हार्डवेयर की बात कर लूं, मतलब दिख रहा है कि फोन पे काम किया गया है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर के मामले में भी यहां पे भी काम किया गया है। लेकिन जो मजेदार बात है देखना वो ये रहेगा बॉस की प्राइसिंग आप कैसे कर रहे हो इसको, क्योंकि जहां तक मुझे याद है जब 14 लॉन्च हुआ तो 70,000 लॉन्च किया था, 10,000 का बैंक डिस्काउंट था, जिसके बाद जो 14 का प्राइस हो गया था वो ऑलमोस्ट 60,000 हो गया था, और 60,000 में वो फोन सच में बढ़िया फोन था। लेकिन 14 प्रो को लॉन्च नहीं किया गया था और उसके कुछ टाइम बाद 14 अल्ट्रा आया था और वो उसका प्राइस 1,00,000 टच हो गया था। खैर मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बड़ी बात यहां पे यही है बॉस कि अभी तक अल्ट्रा का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब कहां है अल्ट्रा पता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 15 प्रो को इंडिया में लॉन्च किया जाए और जब ये फोन आएंगे तो आपको पता है सारा ठिकाना फाइबर पे आपको मिल जाएगा, इतना माल मसाला होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।